But I need to tell you something. हेलो गाइस, वेलकम टू जी मंडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे हाइड्रोमैन के बारे में। अभी हाल ही में ये रूमर्स आ रहे हैं हाइड्रोमैन को लेकर कि ये अपकमिंग मार्वल फेज 4 की पहली मूवी यानी कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में आ सकता है। ये कैरेक्टर इंक्लूडिंग करा जा रहा है और माना ये जा रहा है कि इसकी लड़ाई न्यूक फ्यूरी से होगी, ना कि स्पाइडरमैन से। तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होगा स्पाइडरमैन के लिए इतने सारे कैरेक्टर से लड़ने के लिए। तो हाइड्रोमैन का सबसे पहले इंट्रोडक्शन करवाया गया था फॉक्स किड चैनल पर, जिसमें कि वो मेरी जेन के पीछे पड़ जाता है और देन मेरी जेन इससे इन्फेक्टेड हो जाती है और मर जाती है। देन इस सीरीज को रिबूट करा गया अल्टीमेट स्पाइडरमैन, जो कि डिज्नी XD पर इंग्लिश वर्जन में आता है। देन ये कॉमिक बुक कैरेक्टर आज तक हमें कभी लाइव एक्शन मूवी में नहीं दिखाया गया, बट ये कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होगा अगर ये स्पाइडरमैन मूवी में आता है। अब हाइड्रोमैन से रिलेटिव काफी सारी न्यूज है, जैसे कि आपको स्पाइडरमैन 3 में सैंडमैन दिखाई दिया था पर हाइड्रोमैन नहीं दिखाया गया था। अब हाइड्रोमैन को सैंडमैन के तौर पर स्पाइडरमैन 2 में दिखाया जा सकता है। तो ये कैरेक्टर काफी कमाल का है और देन ये पानी से ज्यादा अपनी ताकत को पैदा करता है, यानी कि ये पानी का बना हुआ कैरेक्टर है। तो मुझे तो इस कैरेक्टर से काफी उम्मीद है। और देन अब बात करते हैं टॉम हॉलैंड, जो कि स्पाइडरमैन कैरेक्टर यानी पीटर पार्कर का रोल कर रहे हैं। तो उनके लिए इस मूवी में काफी डिफिकल्ट और इस मूवी को इंटरेस्टेड बनाने के लिए इतने सारे कैरेक्टर को इंक्लूडिंग करा जा रहा है। अब इस मूवी में टोटल काफी सारे कैरेक्टर हो गए। तो सबसे पहले जो कैरेक्टर आता है वल्चर, फिर उसके बाद स्कॉर्पियन, फिर उसके बाद आ जाता है कमेलियन, फिर हाइड्रोमैन और देन उसके बाद शॉकर। जी हाँ, आपने सही सुना, शॉकर भी अभी जिंदा है। तो आपको क्या लगता है कि इतने सारे कैरेक्टर के होने के बाद क्या स्पाइडरमैन लड़ पाएगा, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और देन गाइस, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देख रहे, या तो उस पर कैप्टन ब्रिटिश के हाथ मारो या पैर मारो। सब्सक्राइब करो। बाय बाय, जा रहा हूं।